ठीक है, मेरा सवाल आपसे यह था कि 8:30 बजे का समय है, अब 5-6 घंटे अभी और स्ट्रेटेजी हो सकती है क्या इमरान खान के पास? इमरान खान की नफसियाती साख को देखते हुए मैं यही अर्ज करूंगा कि वो कोशिश करेंगे कि रात 11:59 तक वो वजीर आजम का लफज अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इसके लिए वो हतर इमकान कोशिश कर रहे हैं कि वो खेच तान कर रात के 12 बजा ले और 12 बजे उनकी वजारत उज़्मा। लेकिन कैसे 12 बजा देंगे जब 8:30 बजे का वक्त तय है, तो आपको क्या लगता है और डीले कैसे करेंगे? जी कोई ना कोई, देखे जब बच्चा घर वालों से नाराज होता है, आपका बच्चा अगर कहे मुझे खिलौना लेना है, तो आप फोरकास्ट नहीं कर सके कि उसका एहतजाज किस तरह का होगा, उसका रवैया कैसा होगा। राणा सराफा साहब, आप तो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, अब जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि ऑपोजिशन कह रहा है कि तुरंत वोटिंग होनी चाहिए, अभी के अभी आप वोटिंग करवाइए, क्या कोई चांस है कि वोटिंग इससे जल्दी हो सकती है 8:30 से पहले? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि जिस सुबह 10 बजे इजलास बुलाकर स्पीकर बगैर किसी तवक्कुफ के वोटिंग करवाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, और अब स्पीकर नहीं कर रहा तो स्पीकर पर सीधा सीधा तोहीन अदालत लगती है। मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि अब मजीद 8:30 का इंतजार करने की बजाय इसी वक्त अपोजिशन के वकला को सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरखास्त डाल देनी चाहिए कि वोटिंग नहीं हो रही। कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि विपक्ष जो है, अपोजिशन जो है, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहा है इस बीच में जो 5-6 घंटे का वक्त है अभी? जी नहीं, अभी मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है। फिजा, आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कि 8:30 से पहले वोटिंग हो सकती है क्योंकि ऑपोजिशन कह रहा है कि तुरंत वोटिंग करवाई जाए? जी नहीं, इस तरह का नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन के लीडर हैं और जो मुतवक्का प्राइम मिनिस्टर भी हैं फ्यूचर में पाकिस्तान के, उनकी वो जब स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने बार बार इस बात को वाजी किया कि तुरंत वोटिंग करानी चाहिए और फॉरन वोटिंग होनी चाहिए। तो स्पीकर ने बार बार इस बात को वाजी किया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के तहत जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए हैं उसी को सामने रखते हुए वोटिंग कराई जाएगी, और अपोजिशन को भी किसी किस्म के इंकशाफात दिल में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वोटिंग साफ और शफाफ होगी, वोटिंग डिले नहीं होगी, वोटिंग आज ही की तारीख में होगी। बार बार स्पीकर साहब इस बात को जो है अपोजिशन को कोशिश कर, अजहर फारूक ने भी हमें ज्वाइन किया, अजहर फिर वोटिंग पर क्या तय पाया है? आज ही हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक हो गया है कि रात 8 बजे वोटिंग होगी और उसकी बाबता अनाउंसमेंट स्पीकर कौमी असेंबली अभी कुछ ही देर बाद इजलास शुरू होने वाला है तो उसमें आकर करेंगे। शाह महमूद कुरैशी जिस नुकते पर बात कर रहे थे वो अपनी बात मुकम्मल करेंगे, बहस को अपनी को समेटेंगे और उसके बाद इजलास मुलतवी किया जाएगा, वक्फा किया जाएगा नमाज मगरब और अफ्तार का, जिसके बाद दोबारा इजलास होगा। तो 8 बजे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक हो गया है कि वोटिंग कराई जाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.